अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अल सदात ऑनलाइन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में MBBS की 100 सीट्स ऑफर की जाती हैं उसकी डिटेल शेयर करेंगे कि कितनी मेरिट लिस्ट मज़ीद लगने वाली हैं और जो स्टूडेंट्स वेटिंग में शामिल किए गए हैं उन्होंने क्या करना है और कंसेंट कैसे शो करवाना है और इसके अलावा किस कैटेगरी का कितना कितना क्लोजिंग मेरिट है और कहां कहां तक जो स्टूडेंट्स चले गए हैं कितना मेरिट चला गया है अभी तक जो कितनी सीटें फिल हो चुकी हैं, तो सारी डिटेल जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि इतनी इसकी लिस्ट लेट क्यों लगी, तो बाकी वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते चलें कि जैसा कि शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की में MBBS की बात करें तो यहाँ पर आज 16th मेरिट लिस्ट जो थी वो लग चुकी है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स को पहले की तरह 2 दिन का टाइम दिया गया है, तो स्टूडेंट्स के पास 2 फरवरी 2024 शाम 4 बजे तक का टाइम है, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर अपना फ़ी चलान वसूल कर सकते हैं। तो अगर जिन स्टूडेंट्स के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ज़्यादातर के उनके प्रीवियस कॉलेज के पास ही हैं, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि वो अपनी डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटो कापीज हैं उस पर जाकर अपना फ़ी चलान ले सकते हैं। बाकी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू नज़र आता है मेरिट लिस्ट में, तो आप इनको इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा, आपका इशू भी सॉल्व आउट कर दिया जाएगा। बाकी जो वेटिंग लिस्ट की बात करें, जो कंसेंट शो करवाना है स्टूडेंट ने कि इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, तो स्टूडेंट्स को आपको बताते चले कि अगर आपने पहले किसी कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लिया है और आप जो है वो अपने एग्री है कि मेरा एडमिशन ठीक है, तो अगर आप शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एडमिशन नहीं हासिल करना चाहते, तो आप लाजमी तौर पर इनको जो है वो info@skzmdc.edu.pk पर लाजमी इन्फॉर्म कर दें कि मैंने जो है वो एडमिशन यहाँ पर नहीं लेना। अगर लेना भी है तो फिर भी उनको बता दें, मतलब कि लाजमी तौर पर आप जो है वो इनको एक बार बता दें ताकि आपका नाम नेक्स्ट लिस्टों में डाला जाए, नाम डाला जाए, ये आप पर ही है। तो बाकी अगर आप जितना जल्दी बता देंगे, अगर आपने एडमिशन नहीं लेना, देन आप नॉट इंटरेस्टेड का इनको मेल कर दें ताकि वो नेक्स्ट लिस्टों में दूसरे कैंडिडेट्स को वेटिंग में शामिल करें या फर्दर उनको सिलेक्ट करें। बाकी आपको बताते चलें कि आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में रिमार्क्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रोविजनली सिलेक्टेड का भी ऑप्शन आ रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आगे वेटिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इस सूरत में आपको बताएं कि जिनके आगे सिलेक्टेड है वो ही सिर्फ सिलेक्टेड है, मतलब कि इस लिस्ट में सिर्फ वही फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, वेटिंग वाले जो उनसे वो फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते। तो बाकी बात करते चले तो फाटा की एक सीट रेस्ट की ही है, बाकी तो इस पर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.7363 है, जबकि वेटिंग के 3 कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी तौर पर इन्हें मेल करके बता देना चाहिए हमने एडमिशन सिक्योर करना है या नहीं करना। तो अगर आपने एडमिशन लेना है देन उनको बता दें, अगर नहीं लेना फिर भी आप बता दें ताकि आपका नेक्स्ट लिस्टों में नेम निकाल दिया जाए। बाकी बात करें KPK की, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि 5 सीटें इनकी अभी तक खाली हैं वेटिंग में, जो 10 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया गया है। तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं लाजमी तौर पर बता दें, जो सिलेक्टेड हैं अगर ये फ़ीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो ये करवा सकते हैं, इनका ये राइट है। बाकी 91.2363 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद की कम्बाइंड सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें अभी तक खाली हैं, इसके अकॉर्डिंग 91.7272 7273 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है, जबकि वेटिंग में यहाँ पर 10-12 स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है। तो जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ये लाजमी तौर पर इनको मेल करके बता दें हमने एडमिशन लेना है या नहीं लेना। बाकी आपको बताएं कि जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की जानिब से स्टूडेंट्स को मेल भी की गई है कंसेंट शो करवाने के लिए, स्टूडेंट लाजमी तौर पर उनका रिप्लाई कर दें। तो बाकी सिंध रूरल की बात करें, एक सीट खाली है, 2 वेटिंग में स्टूडेंट्स को ऐड किया गया है, 90.875 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। सिंध अर्बन की बात करें, 2 सीटें खाली हैं, 87.87112 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है, जबकि 6 स्टूडेंट्स को वेटिंग में ऐड किया गया है। फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई कोटा की बात करें, 2 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं, 91.559 क्लोजिंग एग्रीगेट है। फॉरेन कोटा की बात करें तो 2 सीटें खाली हैं, 70.5853 इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है। तो बाकी स्टूडेंट्स के पास 2 फरवरी 2024 शाम 4 बजे तक का टाइम है कि वो अपना कंसेंट वगैरह शो करवा दें, और बाकी जो स्टूडेंट्स दूसरे हैं जो सिलेक्टेड हैं वो अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा सकते हैं 2 फरवरी 2024 शाम 4 बजे तक। तो बाकी फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो है वो आपने लाजमी तौर पर इनको मेल करके बता देना है। जो वेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप जाएँ चलान ले लें, अगर नहीं एडमिशन लेना देन आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फर्दर जैसे भी लिस्टें अपलोड होती रहती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।